Hello everyone, I am going to start this UNSA. Previously I have given some of the video of UNSA, but this is the how to read UNSA easily. That the name of the UNSA is Sisters in Dharma. CAT 23 में आपको जो है ना जो UNSA का जो नेम जो है ना UNSA का नेम आपको नहीं रहेगा, वो पूछा जाएगा जो पैसेज से कैसे आपको आ रहा है, तो क्या ना थोड़ा सा पढ़ कर रखिएगा ऐसा करके, तो आपका क्या हुआ ना जो आपको दिमाग में आएगा जो शॉर्ट आउट होगा जो क्या है ना जो ऐसा ऐसा करके उसका पैसेज का नाम डालता है, ठीक है ना। तो ये जो UNSA है पूरा है आपका रिलीजियस UNSA। सो मैं पहले बोल चुका हूँ ह्यूमन बींग्स का जितना सारा ये है पर्सनल सोशियो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या है ना रिलीजियस कभी इसमें आता है कभी की कभी कभी UNSA में। तो ये है बुद्धिस्ट का ये, ठीक है ना, इंडोनेशियन बुद्धिस्ट, दैट इज पार्वती स्वेपनगट 1932-2016, जस्ट ही एक्सपायर किया है 2016 में। फॉन्डली नोन एज इबु पार्वती टू द इंडोनेशियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन डिसेबल इन अश्विन जीनारा कक्कीथा 1922। ओके, वुमेन डिसेबल्स एंड अश्विन वॉज द सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडोनेशियन बुद्धिज्म एंड अ प्रोमिनेंट फाउंडिंग ए मेंबर ऑफ इंडोनेशियन बुद्धनामा मूवमेंट। व्हेन आई अराइव्ड, मतलब जो ऑथर है जो अराइव किया है, व्हेन आई अराइव्ड मतलब ये पूरा आपका ए टाइप का है तो बायोग्राफी टाइप का है, ठीक है ना। व्हेन आई अराइव्ड इन इंडोनेशिया इन 2015 टू कॉन्डक्ट रिसर्च ऑन अश्विन आई लर्न्ड अबाउट, मे बी ही दिस पैसेज इज मे बी ए रिसर्च स्कॉलर ही इज डूइंग और सी इज डूइंग समथिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग, आई लर्न्ड अबाउट पार्वती इज राइटिंग एंड रोल एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। ओके, वन ऑफ द माई इन्फॉर्मेंट्स ए नीस ऑफ अश्विन टोल्ड मी टू अंडरस्टैंड अश्विन एंड हिज बुद्धनामा मूवमेंट यू मस्ट टॉक टू यू। सो आई मेट पार्वती इन बंडुंग एंड इंटरव्यूड हर सेवरल टाइम्स एट हर होम इन जकार्ता। ओके, सो दिस इज द थिंग एंड नेक्स्ट यू विल गेट 3-4 पैराग्राफ रिगार्डिंग दिस, मतलब है कहना कैट में ऐसे ही रहेगा। पार्वती कैंडिडली शेयर्ड मेनी इंसाइट्स इन टू अश्विन मूवमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग इंडोनेशियाज न्यू ऑर्डर पीरियड 1968-1998 अंडर द प्रेसिडेंट सुहार्तो। द ऑथोरिटेरियन न्यू ऑर्डर रिजाइम विच मेनली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली द थिंग इज दिस दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटेन एंड रिप्रेसिव अप्रोच। ओके, सो दिस इज द थिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूअर्ड्स लेफ्ट विंग व्यूज एंड पोलिटिकल डिसेंट लास्टेड अंटिल सुहार्तोस रेजिग्नेशन इन 1998 में सुहार्तो जो प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया का रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है ना। पार्वती शेयर्ड हर व्यूज ऑन रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज टू। इन 1973 पार्वती विथ एंडोर्समेंट फ्रॉम ऑफ अश्विन एस्टेब्लिश ए सार्व एज ए फाउंडिंग चेयरवोमैन इन द इंडोनेशियन बुद्धिस्ट वुमेन्स फेलोशिप एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन विद द बुद्धनामा मूवमेंट एंड अबाउट विच वी विल लर्न मोर लेटर। तो क्या है ना ये जो है पूरा एक ऑथर गया है और रिसर्च स्कॉलर गया है रिसर्च करने के लिए, उसके लिए अश्विन के बारे में आपको क्या है ना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा अश्विन जीनारा खिता का बारे में आपका बुद्ध या ना उसका जो बुद्ध है ना जो है ना उसके बारे में रिसर्च करने के लिए गया है। तो उसका जो है क्या है ना डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है, तो पार्वती जो यू पार्वती है उसके पास गया है वो क्या है ना जिसको जानने के लिए 2002 में जो एक्सपर्ट किया कर गया 1923 उसका जो पैरेलल जो है ना पार्वती है वही जिंदा है उसके पास गया है उसका रिसर्च करने के लिए क्या क्या बुद्धायना में क्या क्या हुआ था, बुद्धायना मूवमेंट में क्या क्या होता था, बुद्धायना मूवमेंट में क्या क्या हो रहा था, ठीक है ना। तो दिस इज द थीम ऑफ द पैसेज, मतलब एक रिसर्च स्कॉलर स्टडी कर रहा है उसको। एंड यू विल गेट मोर इन थर्ड पैराग्राफ दैट अकॉर्डिंग टू द 2020 इंडोनेशियन नेशनल सेंसस बुद्धिस्ट मेक अप्रोक्सीमेटली 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। इंडोनेशिया एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड लार्जेस्ट 0.7% का आपका अराउंड 2 मिलियन है बुद्धिज्म। टुडे मेनी इंडोनेशियन बुद्धिस्ट रिमेंबर पार्वती एज ए बुद्धिस्ट हीरोइन ऑफ सोलो, तो वो उसको रिमेंबर किया है पार्वती जी को बुद्धिस्ट हीरोइन ऑफ सोलो में। तो ऐसे करके आपको कहना पड़ेगा पूरा रिलीजियस है लेकिन क्या ना एक रिसर्च स्कॉलर उसको स्टडी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या है ना जो ऐसा करके आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट दैट क्वेश्चन विल बी इजी बट यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज, बट यू हैव टू रीड पैसेज वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग और यू विल गेट आंसर इन फुल। ओके, सो लेक्ट आई थिंक ये आपके लिए बहुत अच्छा ही है क्योंकि ऐसा करके ये इसे को स्टडी करना है, तो क्या है ना जी इसको पढ़ते रहो। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि और कुछ बोलने के लिए ये इसे में, मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल को फॉलो करो, तभी जाकर बाद में पता चलेगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।